आज बिहार की सरकार ने जो कर दिखाया, पूरा देश इसे टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। जो बिहार कभी गरीबी के लिए मशहूर हुआ करता था, जो बिहार कभी भुखमरी के लिए मशहूर है, जो बिहार बेरोजगारी के लिए मशहूर है, आज उस बिहार के अंदर बिहार की सरकार ने 1,20,000 लोगों को एक साथ नौकरी दे दी, एक साथ उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दी। ये पूरे देश के इतिहास में शायद बिहार का जिन्होंने एक दिन के अंदर 1,20,000 लोगों को जॉब दिया है। हाँ, रेलवे को अगर छोड़ दिया जाए, रेलवे हो सकता है इससे ज़्यादा जॉब रेलवे ने दिया हो एक बार में, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, अगर किसी राज्य सरकार की बात की जाए, तो बिहार शायद वो पहले स्थान पर आएगा जो जिन्होंने अपने लोगों को 1,20,000 लोगों को एक दिन नौकरी दी है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा याद है आपको? बिल्कुल याद होगी। ठीक आज से कुछ दिन पहले ही शिक्षक की परीक्षा हुई थी, उसके बाद उनका रिजल्ट भी आया था। बीपीएससी ने इस परीक्षा को कंडक्ट किया था और बीपीएससी टीआरई रिजल्ट आने के बाद आज ही का दिन मुकर्रर किया गया, यह तय किया गया कि आज ही के दिन बिहार के 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और ठीक आज वैसा ही हुआ, पटना का गांधी मैदान सजा हुआ था, पूरे राज्य का हर एक जिला, पूरे राज्य के हर एक जिला मुख्यालय में जो है शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए थे। कहीं पर जिलाधिकारी नहीं, कहीं पर उस क्षेत्र के विधायक नहीं, कहीं पर सांसद नहीं, कहीं पर मंत्री नहीं, सभी लोगों ने मिलकर शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा और एक कीर्तिमान स्थापित किया। शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि उनके ऊपर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा था वो ख़त्म होते दिखाई दिया। लेकिन मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से ये भी कहना चाहूँगा, हाँ ये सत्य है कि आपका बेरोजगारी का ठप्पा खत्म हो चुका है, लेकिन आपके कंधे के ऊपर अब बिहार को बदलने की जिम्मेदारी है। आपके कंधे के ऊपर बिहार की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। आप अनजान नहीं होंगे बिहार के सरकारी स्कूलों से, आपको पता होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, आपको यह भी पता होगा कि बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने में कितने टाइट हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं, कितनी जानकारी है उनके पास। इसीलिए तो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक का चयन किया गया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो लागू हो, बिहार के शिक्षकों के अंदर क्वालिटी हो, तभी तो वो बच्चे को ठीक तरीके से ट्रेंड कर पाएंगे, तभी तो बिहार के बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे। सरकार की एक अच्छी कोशिश, सरकार की एक अच्छी पहल, लेकिन अब देखते हैं बिहार के नए नए शिक्षक जो आए हैं वो कब तक रिजल्ट देते हैं, वो बच्चों के अंदर कितना विकास करते हैं, वो स्किलों की स्थिति को कब तक सुधारते हैं, वो बच्चों को कब, बिहार के बच्चों को जो है कब टैलेंटेड बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये एक चुनौती भी होगी नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ये एक चुनौती होगी नए शिक्षकों के लिए कि बिहार के बच्चों को बदलना है, बिहार के बच्चों का भविष्य को संवारना है, बिहार के बच्चों को शिक्षित करना है। ये आपके कंधे के ऊपर एक नई जिम्मेदारी मिली है। शिक्षक मित्रों, आप लोगों से ही कह रहा हूं कि आप लोग के ऊपर जो भरोसा जताया गया है, हाँ आपकी बेरोजगारी खत्म हो गई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस चीज के लिए खत्म की गई है, जिस चीज के लिए आपका चयन किया गया है, उसमें आप ईमानदारी और निष्ठा का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बिहार के बच्चों के भविष्य बनाने में आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा, बिहार को संवारने में आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। जिस बिहार को लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं, प्रदेश में आप जाइएगा तो बिहारियों को गालियों तक खानी पड़ती है, प्रदेश में आप जाइएगा तो बिहारी को हीन भावना से देखा जाता है, प्रदेश में आप जाइएगा तो बिहारी को नीची निगाहों से देखा जाता है। आप बिहार की जिम्मेदारी बदलनी है आपको, बिहार की जिम्मेदारी मिली है और इसको बदलना है आपको, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है आपको, बिहार की शिक्षा की चरमराई व्यवस्था को आपको पटरी पर लाना है, आपको बिहार को बदलना है। 1,20,000 लोग आज शिक्षक बने हैं, बिहार के लिए गौरव की बात है। कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इसे चुनावी एजेंडा बता रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार इस चुनावी एजेंडे को भुनाना चाहती है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर बिहार में विधानसभा चुनाव, उसमें शायद नीतीश और तेजस्वी को फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि सरकार ने कोशिश की है, ये बात भी सत्य है कि सरकार ने बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए जो एक आह्वान लिया है, एक कदम उठाया है, ये सराहनीय है, ये काबिले तारीफ है। बिहार के मास्टर साहब, बिहार के शिक्षक, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी मिली, आपके कंधे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करते हुए आप बिहार की स्कूल की स्थिति को, बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को जल्द से जल्द बदलने का प्रयास करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं।
हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश इरम, जय हिंद।